2024 में जहां तक मेरा अनुभव, इस बार इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा मोदी जी का। इलेक्शन और सिलेक्शन समझते हैं, जो सब लोग चुन देते हैं उसको सिलेक्शन बोलते हैं। 14 वर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या आए थे, उनके इलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो जनता से प्रेम करते थे। अरे सुन कपीस अंगद लंकेशा अपावन पुरी रुचिर यह देशा। ये सुंदर बनाने का कोई अगर भारत का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। राम का जो विरोध किया है आज सब भोग रहा है, ममता बनर्जी जी भी भोग रही हैं और कांग्रेस की तो ऐसी तैसी हो गई। ये राम का विरोध का दिन। चाचा क्या नाम है आपका? कन्हैया सिंह। अब एक बात हमें बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इससे पहले 10 साल का जो कार्यकाल मोदी जी का रहा है लगभग, उस कार्यकाल से आप कितना खुश हैं, यानी कि मोदी के काम से कितना खुश हैं? मोदी जी के कार्यकाल से हम लोग 110% खुश हैं, 100 नहीं 110। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जो कचरा यूपी में भरा हुआ था, चाहे योगी जी का सहारा हो चाहे जिसका सहारा हो, मोदी जी का देन है कि आज एक एक कचरा निकाल के फेंका जा रहा है। मोदी जी का काम बताएं? हाँ। देखिए मोदी जी तो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी के काम में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके साथ रहने वाले सभी लोग सही काम करें तब तो। मोदी जी का काम तो अच्छा है, मोदी जी के काम में तो कोई समस्या नहीं है। अब सब मोदी तो नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम कोशिश करें आप लोग कि मोदी ना बने तो मोदी के साथ चलने वाले लोग मोदी के कदम में कदम मिला के चले तो देश और प्रगति करे। हम भी भाजपा से हैं, पर ऐसा नहीं हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। हम लोग भाई मजदूर हैं, काम करते हैं, ना कहीं सही से मजदूरी मिला। आपकी तो सरकार है, रोड काहे नहीं बनवा रहा है? जो जमीने हमारे भाई नेता हैं, जो हमारे जिला स्तर के यहाँ नेता हैं, वो कहाँ देख रहे हो बताइए? एक हमारा भतीजा वो नेता पहले वहाँ पीछे का छुपे, इधर आओ। ये यहाँ ये पिकअप में बैठ के जाते हैं आपके थाना के बगल से, उड़ीमोर से क्या स्थिति होगी पिकअप में? जो छेरी बकरी वो मालगाड़ी में बैठ के जाते हैं 40 लोग 50 लोग, क्या एक्सीडेंट हुआ है? चुनाव की चर्चा हो और चाय की दुकान पर चाय की पार्टी हो रही हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन के जो ख्यालात हैं वो अपने आप ही निकल करके बाहर आ जाते हैं, और उन्हीं ख्यालों को जानने समझने के लिए आज हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के इस क्षेत्र में जहाँ पर हम पहुँचे हैं, जनता के बीच में किस पार्टी की सुगबुगाहट है और कौन सी पार्टी इस बार फिर से जीतने वाली है या किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चाचा क्या नाम है आपका? कन्हैया सिंह। अब एक बात हमें बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इससे पहले 10 साल का जो कार्यकाल मोदी जी का रहा है लगभग, उस कार्यकाल से आप कितना खुश हैं, यानी कि मोदी के काम से कितना खुश हैं? मोदी जी के कार्यकाल से हम लोग 110% खुश हैं, 100 नहीं 110। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, देश से लेके विदेश तक जो भी ये आज तक करते आए, कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता न भविष्य में होगा। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, समझिए कि बन गया है, और ये हमारे सनातन धर्म के मोदी और योगी जी ही रक्षक हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। यानी जनता को डबल इंजन का फायदा मिल रहा है? हाँ, डबल इंजन है, और जहाँ भी डबल इंजन रहेगा पूरा देश सुधर जाएगा। राज तो राज है, पूरा देश सुधर जाएगा। अच्छा, मोदी के 3 ऐसे काम बताइए जो जनता को जानने चाहिए और उसी के दम पर एक बार फिर से बीजेपी को वोट पड़ना चाहिए। पहले तो सफाई है, मोदी जी का देन है कि आज भारत लमसम 75% साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। करप्शन से सफाई की बात कर रहे हैं या फिर सफाई की? दोनों सफाई है। जो कचरा यूपी में भरा हुआ था, चाहे योगी जी का सहारा हो चाहे जिसका सहारा हो, मोदी जी का देन है कि आज एक एक कचरा निकाल के फेंका जा रहा है, वो भी योगी जी भी वो पहले ही बोल चुके हैं कि या तो यूपी छोड़ दो या नहीं तो जेल, उसके बाद नहीं मानोगे तो ऊपर वाला का खेल। अच्छा, तो मोदी के काम की बात करें तो स्वच्छता अभियान एक काम तो ये आपने बता दिया, दो और का
मोदी जी हमारे विकास के, आधुनिक विकास के एकदम महान व्यक्ति हैं। आज के इमें, आज के समाज में कोई ऐसा देश नहीं है जो इंडिया में आके अपना उद्योग नहीं लगाना चाहता, और जहां विकास होगा तो हर व्यक्ति व्यक्ति सुखी संपन्न हो जाएगा। विपक्षी ये कह रहे हैं कि रोजगार तो मिल नहीं रहा है, सरकार कुछ युवाओं के लिए कर नहीं रही है, विकास कुछ हो नहीं रहा है। किसको रोजगार नहीं मिल रहा है? जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है वो इलाहाबाद के प्रयागराज से सर्टिफिकेट खरीद के लाए हैं। बहुत सर्टिफिकेट मिल रहा था पहले, अब वही लोग बेरोजगार हैं। जिसका परसेंटेज है आज भी नौकरी बरकरार है और रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। ये बताइए कि हमारी मोदी जी का देन है कि बच्चियां आज एरोप्लेन चला रही है, उड़ा रही है ना। हर एक जॉब में आप कहीं से उठा के देख लीजिए, चाहे फैक्ट्री हो और चाहे सरकारी जॉब हो, हमारी बेटी बहन जो भी है एकदम दिल खोल के इन्वॉल्व है। यानी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हाँ बहुत अच्छा है, यही चाहिए जो भी आए जनरेशन, ये चाहिए। अच्छा, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ शिक्षा जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, या फिर और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वो जनता तक पहुँच रही है क्या? नहीं, यहाँ अभी पिछड़ा है, एक जगह से शुरू किया जाता है। बताइए मोदी का अगर आप इतना गुणगान कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में आप हैं वहीं पर विकास नहीं पहुंच रहा है, तो हम इसको क्या समझें? वो हमारे अंदर भी कुछ कमी है, हम जागरूक नहीं है, अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं। GIC है, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट में पढ़ाई हो रहा है वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हमारी सरकार कोशिश कर रही है। अभी भी पहले वाले चट्टे बट्टे हैं जो कि खा के बैठ जा रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ है अभी आपका वजीफा का। वजीफा जितना आया है उसमें समझे कि 25% बच्चों का छात्रवृत्ति मिला हुआ है। तो ये बताइए तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ हुआ? खा गए हैं तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ हुआ मोदी की सरकार? हो रहा है अभी तो, चेक हो रहा है ना, अब जा रहे हैं सब जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप बोलेंगे कि नहीं? मेरा नाम मिथिलेश राय है। अच्छा, आपके हिसाब से मोदी जी के काम से आप खुश हैं या नहीं? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी का काम बताएं। हाँ देखिए, मोदी जी तो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी के काम में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके साथ रहने वाले सभी लोग सही काम करें तब तो। मोदी जी का काम तो अच्छा है, मोदी जी के काम में तो कोई समस्या नहीं है। अब सब मोदी तो नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम कोशिश करें आप लोग कि मोदी ना बने तो मोदी के साथ चलने वाले लोग मोदी के कदम में कदम मिला के चले तो देश और प्रगति करे। तो अभी तक जो BJP का दलबल है इस समय मोदी के साथ लगा हुआ, उस आधार पे 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी या नहीं? प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमको नहीं लगता कि कम सीट से बनेंगे, उतने ही सीट से बनेंगे, ज़्यादा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 100 सीट में सिमट जाएंगे। वो कुछ भी हो जाए, विपक्षी 100 सीट लगा पाएंगे सभी लोग मिलकर कि नहीं, ये इस पर हमें संशय है। अच्छा, क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, क्षेत्रीय स्तर के अगर हम जन समस्याओं की बात करें तो इस स्तर पर, यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर क्या समस्याएं लोगों की हैं जो सरकार सही कर रही है या नहीं? सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षा का है, उसके बाद बिजली का है, उसके बाद यहाँ स्वास्थ्य का है। यहाँ परियोजना इतनी बढ़िया जो है सो हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं बैठते, डॉक्टर बैठते हैं तो वहाँ कोई मेडिसिन नहीं मिलता। इलाज के लिए लोग कहाँ जाते हैं यहाँ क्षेत्र? यहाँ इस एरिया में कोई इलाज का व्यवस्था नहीं है, सब लोगों को बनारस जाना पड़ता है, और यहाँ से बनारस जाने में 4 घंटा लगता है। अगर कोई क्रिटिकल आता है मैटर तो उसमें आदमी रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर बताइए, अगर सबसे ज़रूरी है यहाँ का हॉस्पिटल सही करना, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ सही करें। तो 10 साल में मोदी जी ये नहीं कर पाए? मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए मोदी जी यहाँ आके हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे और हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सेवा को नहीं देखना पाएंगे, उसके लिए काउंट करता है उनकी टीम की। जो टीम है, जो यहाँ के जो स्वास्थ्य को देखने वाले लोग हैं, जो यहाँ CMO हैं। अच्छा, यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद जो भी हैं वो अभी आज के डेट में वो कारगर नहीं है, यहाँ आते नहीं। अच्छा,
विधायक यहाँ कभी देखा ही दिए? नाम जानते हैं यहाँ के सांसद का, विधायक का नाम जानते हैं? विधायक तो हमारे संजीव गौर है। सांसद कौन है? और सांसद का नाम देखिए हमारे दिमाग में नहीं है, मतलब नहीं है का मतलब जनप्रतिनिधि मिलने ही नहीं आते हैं, तो कहाँ से जनता से कम जो है सो वो है। अच्छा, किस पार्टी से है ये जानते नहीं? नहीं, पार्टी से तो है हमारे, किस पार्टी? जनता पार्टी से है। तो बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? जनता तो जनप्रतिनिधि को देख के वोट करेगी। नहीं, जनप्रतिनिधि अब देखिए आजकल तो वोट आदमी मुखिया देख के करता है, अगर मुखिया टाइट है तो उसके साथ लोग लग जाते हैं, लेकिन यह है कि कुल मिला के जनप्रतिनिधियों की जो दायित्व है वो निर्वहन नहीं हो रहा है। मतलब छोटी मोटी सब कर रही है प्रधानमंत्री के तौर पर, और मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं वो लोग जा कर के काम करें, लेकिन वो लोग अपने काम पर सही नहीं उतर रहे हैं, उनके साथ समस्या है। और इन तमाम समस्याओं के बाद भी बीजेपी जीतेगी? जीत जाएगी। अच्छा, जीतने अच्छा है इसलिए जीतेगी। अच्छा, उसकी सोच अच्छी है, देश का जो है सो भविष्य अच्छा है। महंगाई के लिए लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, महंगाई कौन सी सरकार आएगी जो सस्ती कर देगी? किसान को अपने जो हम आलू उपजा रहे हैं उसका कीमत हमें ज़्यादा चाहिए और हमें उसका कम चाहिए, तो ये बताइए संभव है क्या? आप 10 रुपये में कोई सामान बना के 5 रुपये में बेचेंगे? अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा बनेगा क्या, चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या यहाँ पर भी बेरोजगारी उसी स्तर पर है? इसके पहले जो थी उससे कम है, ज़्यादा तो नहीं है। इसके पहले कोई बताए जो काम कर रहा था और आज बैठा है जिसको काम नहीं है? कोई एक आदमी हाथ उठवाइए, किसी से पूछिए कि ये इससे पहले वो काम कर रहे थे और आज काम नहीं कर रहे हैं, आज वो बेकार हैं। अच्छा, कोई आदमी हो तो बताइए, उनसे पूछिए। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? संजय यादव। ये बताइए आपके हिसाब से मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? मोदी जी को कोई रोक ही नहीं सकता, वही जीतेंगे, दूसरा कोई जीतवे नहीं करेगा। तो काम बढ़िया कर रहे हैं या क्यों जीतेंगे? नहीं, काम को ऐसे जीतेंगे और क्या, जबरदस्ती थोड़ी जीत जाएंगे, जनता वोट लोग कहते हैं कि मोदी जादूगर है, वो जादू से जीत जाएंगे। नहीं, उनके अंदर कुछ क्वालिटियाँ हैं, पकड़ बनाए रहते हैं। जैसे क्या क्वालिटी है कुछ बता सकते हैं? पकड़ बनाए रहते, मोहनी मंत्र जानते हैं, मार देते हैं बुरी जनता फेवर में। बताइए बताइए। नमस्ते, पहली बात आप कहाँ से हैं? पहले बताइए, सोनभद्र से? अभी तो फिलहाल हम आपके बीच में ही हैं और आप ही के हैं। नहीं, मतलब सोनभद्र से कर रहे हैं कि कहीं और से? नहीं, सोनभद्र से। ये बताइए, ओबरा से और कनारा मजोली कनारा पोस्ट है, वहाँ का रोड आज तक नहीं बना, यहाँ जमीनी आपके जो नेता, हम भी भाजपा से हैं पर ऐसा नहीं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, हम लोग भाई मजदूर हैं, काम करते हैं, ना कहीं सही से मजदूरी मिला। आपकी तो सरकार है, रोड काहे नहीं बनवा रहा है? जो जमीने हमारे भाई हैं, जो हमारे जिला स्तर के यहाँ नेता हैं, वो कहाँ देख रहे हो बताइए? एक हमारा भतीजा वो नेता पहले वहाँ पीछे का छुपे, इधर आओ। ये यहाँ ये पिकअप में बैठ के जाते हैं आपके थाना के बगल से, औड़ी मोड़ से, क्या स्थिति होगी? पिकअप में जो छेरी बकरी वो मालगाड़ी में बैठ के जाते हैं 40 लोग 50 लोग, कई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ से। 30 किलोमीटर का ये हाईवे जोड़ सकते हैं आप, तो ये क्या नहीं बन सकता है? कितना दिन सरकार हुआ अभी भाजपा का बताइए, बना कैसे? और आप बीजेपी के 30 किलोमीटर कनारा पोस्ट ऑफिस, कनारा मझौली गांव इंटीरियर पोस्ट ऑफिस है कनारा, यहाँ अनपरा से लेके कनारा पोस्ट ऑफिस यही है, आपका बॉर्डर है एमपी यूपी का, वो रोड नहीं बन पा रहा है, तो हाईवे जोड़ रहा है और वहाँ जोड़ रहा है, यहाँ या पब्लिक आपका जान जहाँ आपको व्यवस्था देना है, आपकी सरकार है आप रोड बिजली हॉस्पिटल यही ना चाहिए? किसी के घर का कोई खर्चा नहीं चलाता, अपने स्तर से सब काम करता है, क्यों नहीं बनना भैया? तो आपकी सरकार धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे हम धरना देंगे कि अपने बच्चों को पालेंगे, बताइए, जहाँ मजदूरी 500 वहाँ मिला 300, तो उसमें अपने बच्चों को पेट पालेंगे कि हम धरना धर के बैठेंगे? अच्छा ये बताइए, तब कहे लिए बीजेपी के कार्यकर्ता? कार्यकर्ता हैं हम, हमारा अपना मानसिकता, अपना हमारा अधिकार है, हम किसी के साथ रहेंगे, हमारा अपना है, आजाद भारत में सब आजाद है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो क्या मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं राष्ट्रीय? मोदी जी तो बहुत ही बढ़िया हैं, हाँ, आज के डेट में और जो पहले थे आज के डेट में उनके जैसा कोई नेता नहीं है। तीन काम बढ़िया बता सकते हैं मोदी जी का? मोदी जी का बहुत काम है, मंदिर बनवाए जम्मू कश्मीर, मंदिर कौन सा मंदिर बनवाया? राम मंदिर। तो वो तो कोर्ट के फैसले से बना है, मोदी जी चाहे उसके लीड किए तब तो बना, और भी तो नहीं किए तो क्या बनेगा? और दूसरा बताइए। दूसरा ये जम्मू कश्मीर एक देश एक संविधान हो गया, केंद्र शासित राज्य हो गया, वहाँ परेशान थे लोग हमारे बंधु भाई जो थे। तीसरा ये महिला शोषण जो था मोहम्मद वाला, क्या तलाक वाला हो गया, तलाक का कानून जो बना दिया जी, तो इन तो बहुत अच्छा है। अभी जो कार्य कर रहे हैं उनका भी और भी अच्छा है। जो कुछ गलत काम भी बताएंगे जो मोदी जी ने किया? मोदी जी को कैसे, इतना बड़ा महापुरुष को गलत कैसे बोल सकते हैं बताइए हम लोग को? पिता आपके क्षेत्र में मगर विकास नहीं पहुंचा? विकास हमारे जो जिला स्तर के नेता ये नहीं चाहते हैं, न करना चाहते हैं, मोदी जी तो वहाँ बने वहाँ दे रहे हैं, अब यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं भगवान? मोदी जी से शिकायत करिए फिर,
शिकायत आपके माध्यम से कर रहे ना, आपके माध्यम से कर रहा सर। क्या नाम है भैया आपका? अरे चाय वाले से ले लीजिए। आप बताइए ना क्या नाम है आपका? अरे राजेंद्र प्रसाद हमारा नाम है। चाय वाले से हम बात कर लेंगे, लेकिन जो आपका अनुभव है वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। एक से जरा बात कर ले, बताइए कि आपके हिसाब से मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं? कोई है ही नहीं है उनके बराबर इस समय। अच्छा। किसी का विजन नहीं है, ये आदमी लांग इसकी दूर दृष्टि है, वहाँ से सोच रहा है, देश हित के विषय में सोच रहा है, और किसी पार्टी किसी नेता के पास कोई विजन है ही नहीं है। बिना विजन के केवल जो है अपोजिशन हर काम में टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं लोग। हाँ बस ये सीधा विपक्षी एकजुट हो रहे हैं 2024 में विजय रथ रोकने के लिए, आपकी क्या राय? इतनी तेजी से विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, उतने तेजी से उनके खिलाफ जनता भी एकजुट हो रही है, ये आप मान लीजिए। अगर वो 50 हो रहे हैं तो जनता 100 इकट्ठा हो रही है उनके खिलाफ, क्योंकि सारे चोर एक हो रहे हैं केवल अपनी चोरी को बचाने के चक्कर में। अच्छा, ओबरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले 10 सालों में मोदी के कार्यकाल में कितना बदलाव हुआ यहाँ पे? सब कुछ बदलाव हो गया, रेलवे डबल हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सब कुछ क्या नहीं हुआ। भाट में जहाँ कहीं कुछ जाने का नहीं था, हर जगह रोड बन गए हैं। रोड, पानी की व्यवस्था, पानी जल की व्यवस्था, हर घर करीब करीब 90% पानी पहुँच चुका है।